रायपुर नाम के एक गांव में मथुआ नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो रोज काम की तलाश में निकलता और जो काम मिले उसी से अपना घर चलाया करता था। चलता हूँ छबीली, गर्मी के दिनों में तो बड़ी तकलीफ हुई, कोई काम ही नहीं देता था। अब बारिश आने वाली है, लगता है अब अच्छा खासा काम मिलेगा। पर पहले हमारी छत ठीक कर दीजिएगा, पिछले साल से इस साल की बारिश आ गई, बड़ी मुश्किल से पिछली बारिश निकली थी। हाँ हाँ, कुछ पैसे हाथ में आ जाएं छबीली, फिर मैं खुद ही छत की मरम्मत कर दूंगा। सुबह 4 बजे मथुआ गांव के चौपाल के पास जाकर बैठ जाता है, तभी उसे ढूंढते गांव के सेठ का आदमी आता है। मुझे पता था तो मुझे यही मिलेगा, चल सेठ जी के कमरे में सीलन हो गई है, उसे ठीक कर दे, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तुझे। वाह भगवान, आज तो अच्छा काम मिल गया, अब मेरी छत बन जाएगी। मथुआ सेठ की कोठी पर चला जाता है और काम शुरू कर देता है। सेठ मथुआ को खाने तक की छुट्टी नहीं देता और रात 8 बजे तक उससे काम करवाता है। साहब मेरे पैसे? कैसे पैसे? अभी पता है क्या कि फिर सीलन नहीं आएगी, बढ़ाया पैसे मांगने, चल हट। ऐसा मत कीजिए साहब, मेरे घर चूल्हा नहीं जल पाएगा। तुकाराम निकालो इसे यहाँ से, मैं सोने जा रहा हूँ, बाहर से चूचा की आवाज आई तो अच्छा नहीं होगा। जैसे ही सेठ अंदर जाने के लिए पलटता है, उसकी जेब से कुछ पैसे नीचे गिर जाते हैं। मथुआ सेठ को आवाज लगा नहीं जाता है कि तुकाराम उसे रोक देता है। तुम्हारी किस्मत के पैसे हैं ये, ले जाए इन्हें, अब तुझे भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा, अब भाग यहाँ से। मथुआ सब्जियां और राशन लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। रात धीरे धीरे अपना चादर बिखेरने लगती है और अचानक बिजली की कड़क के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात बारिश रुकती ही नहीं, मथुआ का घर बुरी तरह पानी से भर जाता है। क्या हालत हो गई है घर की, बाल्टी बर्तन जो था सब लगा दिया छत पर, लेकिन छत है कि टपकते ही जा रही है। पर मैं तो बच गई पापा, मैं छतरी लेकर सोई थी ना। हाय मेरी बच्ची, मैं अभी जाता हूँ, सीमेंट और जरूरत के सामान लाकर छत ठीक कर देता हूँ। मथुआ बाजार से सामान लाकर घर वापस लौट रहा होता है कि रास्ते में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। मथुआ बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जा छिपता है। वहां वो देखता है कि एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। मथुआ उस रास्ते से नीचे जाता है और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां अभी रात हो रही थी। जमीन के नीचे की इस दुनिया को मथुआ ने कभी नहीं देखा था, वो अजीबोगरीब दिखने वाले लोग थे। ये मैं कहां आ गया? गिर्रो की दुनिया में, हम इंसानों से जरा अलग हैं और हमारी दुनिया भी, जब बाहर दिन होता है तो यहाँ रात, जब बाहर बारिश तो यहाँ सूखा, कुछ ऐसा है। और तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी भागने लग जाते हैं। भागो मथुआ, यहाँ की बारिश बहुत अजीबोगरीब है, यहाँ की बारिश तुम्हें जला भी सकती है, चलो मेरे घर। मथुआ गिर्रू के साथ उसके घर चला जाता है और उसके टूटी छत को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे मथुआ गिर्रू के घर की छत को ठीक कर देता है। अब ये जहरीली बारिश तुम्हें चला नहीं पाएगी दोस्त। आज तक किसी ने मेरी इतनी फिक्र नहीं की मथुआ, मुझे पता है तुम ये सीमेंट लेकर कहां जा रहे थे, ये लो बांस का घर। गिर्रू मथुआ को एक छोटा सा बांस का घर देता है। ये तो खिलौना है, उसका मैं क्या करूं? तुम्हारे गांव में बारिश के कारण बाढ़ आने वाली है, ये बांस का घर तुम्हारी मदद करेगा, अब तुम्हें चलना चाहिए, पर हाँ आते रहना। मथुआ जैसे ही अपने गांव लौटता है, वो देखता है कि पूरा गांव पानी से भर चुका है। वो बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है जहां अपनी बीवी और बेटी को बिस्तर के नीचे छुपा देखता है। आप कहां चले गए थे पापा, हम बहुत डर गए थे, और आप ये खिलौना मेरे लिए लाए हो ना। प्रिया मथुआ के हाथ से उस घर को लेकर जैसे ही जमीन पर रखती है, वो घर एक बड़े घर में बदल जाता है। मथुआ छबीली और प्रिया उस बांस के घर के अंदर चले जाते हैं। ये घर तो जादुई है जी। बारिश लगातार होती ही जाती है और सभी गांव वालों के घर डूबने लग जाते हैं। भीमा तुम अपने परिवार के साथ मेरे घर आ जाओ, बाकियों को भी ले आओ। पर हमारा घर इतना भी बड़ा नहीं है, सब कैसे आ पाएंगे जी। जैसे जैसे लोग मथुआ के घर आते जाते हैं, उसका घर बड़ा होता जाता है। मथुआ अपने तैरते हुए घर से लोगों के पास जाकर उन्हें बचा लेता है।
गांव के सभी लोग मथुआ के घर तो आ जाते हैं, पर सेठ अब भी अपने ही घर पर चिपकर बैठा था। पानी धीरे धीरे उसके गले तक आ जाता है। सेठ आ जाओ मेरे घर, मैं पैसे नहीं लूंगा। मथुआ के अच्छे मन के कारण पूरा गांव बच जाता है और सभी मथुआ की जय जयकार करने लगते हैं। मधुर एक गरीब बस्ती में रहता था। बस्ती के पास ही एक कॉलोनी थी, जहां एक कोठी में मधुर के माता पिता सफाई का काम करते थे। कॉलोनी की उसी कोठी में चिंकुल रहता था। चिंकुल को अपने अमीर और पैसे वाला होने पर बहुत घमंड था। वो जब भी कोई नई चीज लाता तो दोस्तों को बार बार दिखाकर मधुर को चिढ़ाता था। एक दिन कॉलोनी के सभी बच्चे खेल रहे थे। मधुर के पिता गार्डन में पेड़ों को पानी दे रहे थे, तभी चिंकुल एक बड़ा सा रबड़ का स्विमिंग पूल ले आता है। रवि, पंकज, समीर, ये देखो मेरे पापा मेरे लिए नया स्विमिंग पूल लेकर आए हैं। अब गर्मियों में हम सब इसी रबड़ की हवा वाले स्विमिंग पूल में खेला करेंगे। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। सुनील अंकल, इस स्विमिंग पूल में पाइप लगाकर पानी भर दो। अभी भर देता हूँ चिंकुल बेटा। सुनील कोई और नहीं बल्कि मधुर के पापा ही थे। बाबा, आप पेड़ों में पानी डाल दो, स्विमिंग पूल में पानी मैं भर देता हूँ। ठीक है मधुर बेटा, जाओ ये पाइप ले जाओ और पानी भर दो। मधुर चिंकुल और बाकी बच्चों के पास पाइप ले जाता है और स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है। तभी चिंकुल उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये कितना महंगा स्विमिंग पूल है? पूरे 10,000 रुपए का पापा लेकर आए हैं। हर किसी के बस की बात नहीं है इतनी महंगी चीज खरीदना। वैसे मधुर, तुम तो कभी भी इतना महंगा स्विमिंग पूल नहीं खरीद सकते, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तो हमारे घर में काम करके पैसे कमाते हैं। तुम तो गरीब हो। चिंकुल और बाकी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं और मधुर को चिढ़ाने लगते हैं। चिंकुल मधुर को पाइप से भिगोने लगता है। मधुर के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तभी चिंकुल के पापा आ जाते हैं। चिंकुल, ये सब क्या हो रहा है? एक तो मधुर तुम्हारी हेल्प कर रहा है, ऊपर से तुम सब मिलकर उस बेचारे का मजाक उड़ा रहे हो। चिंकुल बेटा, ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाते। और फिर मधुर तो तुम्हारे सुनील अंकल का बेटा है। पापा, पर सुनील अंकल तो हमारे नौकर है ना, और इसकी मम्मी भी तो हमारे घर सफाई का काम करती है। अगर वो हमारे घर काम करते हैं तो क्या तुम उनका मजाक उड़ाओगे? चिंकुल, हमेशा ध्यान रखो, हमारे कब कौन किस समय काम आ जाए ये नहीं पता, इसलिए हमें सभी के साथ आदर से बात करनी चाहिए। चिंकुल अपने पापा की बातों को अनदेखा कर देता है और अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में खेलने लगता है। एक शाम, शारदा आंटी, मेरे दोस्तों के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स ले आओ। मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा हूँ, आप नाश्ता वहीं भिजवा देना। जब देखो शैतानियों में लगा रहता है लड़का। ओए मधुर, जा जाकर पोछा लेकर आ, यहाँ कोल्ड ड्रिंक गिर गई है। चिंकुल, तूने जानबूझकर ये कोल्ड ड्रिंक गिराई है ना? छोड़ ना, हम लोग गेम खेलते हैं। अरे वो हमारे घर के नौकर का बेटा है, तो उसकी चिंता मत कर। काम नहीं करवाएंगे तो फालतू इधर उधर बैठकर हमारे घर में कुछ भी खाता रहता है और मजे उड़ाता है। एक दिन चिंकुल स्कूल से घर आया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, हमारे स्कूल में होम स्विमिंग पूल बेस्ट फोटो प्रतियोगिता होने वाली है। हमें अपने घर के स्विमिंग पूल में बैठकर एक सुंदर सी फोटो खिंचवानी है, फिर जिस बच्चे की सबसे अच्छी फोटो लगेगी उसे मैम फर्स्ट प्राइज देंगी। मम्मी, मुझे ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। पापा, उस दिन जो नया रबड़ का स्विमिंग पूल लाए थे, मैं उसी में ही अच्छे अच्छे पोज बनाकर फोटो खिंचवाऊंगा। कल सुबह तक मुझे मैम को फोटो मेल करनी है। ठीक है, तो तुम जाकर सुनील अंकल से बोल दो, वो स्विमिंग पूल में पानी भर देंगे। चिंकुल सुनील के पास जाता है और रबड़ स्विमिंग पूल में पानी भरने के लिए कहता है, पर ये क्या, रबड़ का स्विमिंग पूल फट गया था। चिंकुल अपने पापा से बात करता है, पर उस दिन तो मार्केट बंद था, उसके पापा की भी छुट्टी थी और बाजार में कोई भी दुकान नहीं खुली थी। चिंकुल परेशान हो जाता है और रोने लगता है। तभी मधुर उसके पास आता है। एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तू सिर पर आकर खड़ा हो गया, चला जा यहाँ से। चिंकुल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्विमिंग पूल तैयार कर सकता हूँ, बड़ा टायर स्विमिंग पूल, जिसमें बैठकर तुम्हारी फोटो भी बहुत अच्छी आएगी। अरे वाह, ये तो मधुर ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। आजकल बच्चे सोशल मीडिया पर इसी तरह की फोटो डालकर फेमस हो जाते हैं। मधुर ठीक कह रहा है,
अगर हम बड़े टायर का स्विमिंग पूल बनाए तो उसमें तुम्हारी फोटो बहुत सुंदर आएगी बेटा। अपने पापा की बातों को सुनकर चिंकुल के अंदर एक जोश आ जाता है। वो मधुर को स्विमिंग पूल बनाने के लिए कहता है और थोड़ी देर में मधुर एक बड़े से टायर में बहुत ही सुंदर स्विमिंग पूल तैयार कर देता है, जिसे देखकर चिंकुल खुशी से उछल पड़ता है। चिंकुल उस बड़े टायर वाले स्विमिंग पूल में बैठकर बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचवाता है और अपनी मैम को मेल कर देता है। चिंकुल के फोटोज की बहुत तारीफ होती है और वो फर्स्ट प्राइज जीत जाता है। चिंकुल अपनी ट्रॉफी लेकर घर आता है और मधुर के हाथ में देता है। मधुर, इस इनाम के असली हकदार तुम हो। अगर तुम ना होते तो मैं ये कॉम्पिटिशन कभी जीत नहीं पाता। थैंक यू मधुर, और मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारी इंसल्ट की। अब मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। चिंकुल मधुर को गले लगा लेता है। ये देखकर चिंकुल के मम्मी पापा और मधुर के माता पिता सब बहुत खुश होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।